नमस्कार आदाब, फेस टू डे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाबिर हुसैन जैदी। आज हम एक ऐसे युवा से आपका वो परिचय कराने जा रहे हैं जिसने ताइक्वांडो में अपना नाम रोशन किया है। ये युवा जो है अमरोहा का, उत्तर प्रदेश के अमरोहा का रहने वाला, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने इतने सारे मेडल जीत लिए हैं कि आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम परिचय कराते हैं। क्या नाम है आपका? नाम मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, कितने साल से आप ताइक्वांडो सीख रहे हैं? 2 साल से। अच्छा, कितने मेडल्स आप जीत चुके हैं टोटल? 18। और नेशनल लेवल पे अभी कितने जीत चुके हैं? 2 जीते हैं। और वो स्टेट लेवल पर? 8। स्टेट लेवल पर 8 जीत चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि नेशनल लेवल पर, और एक चाइना से भी इन्होंने मेडल जीता है। चाइना से भी जीता है मेडल? जी, तो बहुत बड़ी बात है इतनी सी उम्र में इन्होंने मेडल जीते हैं। और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? सिक्स क्लास में पढ़ रहे हैं। कौन से स्कूल में? एक इंटर कॉलेज। अच्छा, जो आपका क्लब है उसका क्या नाम है? अमरोहा फाउंडेशन। अच्छा, अमरोहा ताइक्वांडो फाउंडेशन। मैं अभी छोटी उम्र में ही काफ़ी बड़ा नाम रोशन कर चुके हैं। ये पूरे भारत का ही नाम रोशन कर रहे हैं। और अभी आप देखिए कि कितने से छोटी उम्र है इनकी और इतना बड़ा काम कर चुके हैं। अभी तक बच्चे कुछ पढ़ाई के चक्कर में लगे होते हैं, जहां इन्होंने इतने सारे मेडल्स जीत चुके हैं। आप इनके जो मेडल्स हैं वो अगर आप देखेंगे गौर से तो इतने सारे मेडल्स जीते। आपने पहला मेडल कब जीता था? मुरादाबाद। अच्छा, कौन से सन में जीता था? 2021 में। अच्छा, 2021 में जीता था। उसके बाद लगातार आप जीतते चले आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको इतने सारे मेडल? अच्छा। आगे अभी क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं? अपने बहुत सारे नाम, मतलब बहुत सारे मेडल जीतना चाहते हैं अभी, और आगे अपने देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। अभी कुछ बच्चा है, बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो आप देख सकते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल है, क्योंकि अभी इतनी सी उम्र में ही काफ़ी अवार्ड जीत चुका है सैयद मोहम्मद उमर। सबसे पहले आप अपना परिचय कराइए, नाम बताइए। मेरा नाम शहजाद आलम है, मैं अमरोहा का निवासी हूँ, मोहल्ला मुल्लानों में रहता हूँ। जी, ये मेरे जो सन हैं सैयद मोहम्मद उमर, ये माशाल्लाह शुरू से यूट्यूब पे देखते थे, उन्होंने ताइक्वांडो को देखना शुरू करा और शौक़ लगा, इन्हें घर पे प्रैक्टिस करने लगे, तो मुझसे कहा कि मतलब ये मैं ताइक्वांडो करना चाहता हूँ। तो हमारे अमरोहा में अमरोहा ताइक्वांडो फाउंडेशन क्लब है, जो कोच श्री अकबरुद्दीन साहब चलाते हैं। तो मैं उनके पास ले गया इन्हें, मैंने कहा भाई इन्हें एडमिशन ले लीजिए। उन्होंने इनका एडमिशन लिया और माशाल्लाह आज इन्होंने स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे काफ़ी गोल्ड जीते हैं। और इनका अभी 24 तारीख में, 24 नवंबर में इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रही है, उसके अंदर जा रहे हैं, सिलेक्शन होगा। अच्छा, जब इतने सारे अवार्ड जीत चुके हैं, आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है, गर्व महसूस होता है। आज मैं इन्हीं के नाम से ज़्यादा पहचाना जाता हूँ, कहीं पे भी लोग मुझे मिलते हैं तो कहते हैं ये मोहम्मद उमर के फादर हैं। मेरा अपना नाम तो इतना नहीं पहचानते, लेकिन इनके नाम से मैं काफ़ी मतलब फेमस हो गया हूँ। आज इंडिया के अंदर भी इनका चैनल भी है एक, मोहम्मद उमर TKD अमरोहा। अच्छा, तो जब इन्होंने शुरू आपसे शुरू में कहा था, आपको कैसा लगा था? ताइक्वांडो के बारे में आप कुछ जानते थे थोड़ा? नहीं, मैं ताइक्वांडो के बारे में नहीं जानता था, लेकिन मैंने इनको देखा के मतलब ये वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी इनकी रुचि है, तो मैंने कहा मैं इसमें बच्चा निकल जाए तो अच्छा है, जिसकी रुचि बच्चे की जहाँ होती है खेल में उसी में अगर डाला जाए तो सक्सेस हो जाता है। तो ये उधर निकले और माशाल्लाह आज इन्होंने नाम रोशन करा अमरोहा का भी, और देश का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह भविष्य। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से इतना बड़ा अवार्ड जीते हैं, अभी तक कोई इस तरह का अवार्ड वगैरह इसको बच्चे को मिला कुछ इस तरह का? इस सरकार की तरफ से तो अभी कोई हमें सपोर्ट नहीं मिल पाई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं मुख्यमंत्री, वो हमें कुछ सपोर्ट देंगे आगे भविष्य में, और बच्चे आगे निकलेंगे, हमें थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो यह फ्यूचर अच्छा होगा बच्चों का। ठीक है, धन्यवाद।
थैंक यू। मेरा नाम अकबरुद्दीन है, मैं स्पोर्ट ताइक्वांडो मार्शल आर्ट का कोच हूँ। मैंने 1980 में शुरू किया था मेघालय से, अमरोहा 1980 में शुरू किया और अभी हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज में 2000 से कंटिन्यू ट्रेनिंग करा रहा हूँ, जिसमें ये मोहम्मद उमर है जो इसने 18 मेडल जीते जिसमें से 8 गोल्ड है, नेशनल भी है, स्टेट भी है, मंडल भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है और अभी ये इंटरनेशनल खेलने जा रहा है दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में, ये सब जूनियर वेट में वहाँ पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, मोहम्मद उमर को लेकर कैसा लगता है कि इतनी सी उम्र में इतना कुछ जीत चुका है? अपनी एज में बिल्कुल फिट है, काफी पावरफुल भी है, लेग भी अच्छे, टेक्निक वगैरह भी अच्छी है, भविष्य में बेहतर खिलाड़ी बनेगा जब अपने 18 साल की एज में आएगा तो काफी पावरफुल हो जाएगा जी, वहाँ से इनका असली गेम शुरू लगता है कि देश का नाम करेगा। को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इससे आपको तमाम ताजा खबरें मिलती रहेगी।